हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, पांच पे 11 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो ये CPL 2020 जो होने वाला है उसका पूरा टूर्नामेंट का समराइजेशन होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में गिव अवे दिया जाएगा। दो विनर्स होंगे गिव अवे के, जिसकी सारी डिटेल्स आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करता हूँ CPL के होने की स्टार्ट होने की जो डेट एक्सपेक्टेड है वो 19 अगस्त से 26 सितंबर पर है, पर ये और जल्दी हो सकती है। इसका शेड्यूल 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सभी टीम की यहाँ पर आपको स्क्वाड देखने को मिल जाएगी। टीम्स कौन कौन के थे, सेम टीम्स हैं जो हर टूर्नामेंट अभी तक खेले हैं। बार्बाडोस ट्राइडेंट्स, वॉरियर्स, जमैका तलवर्स, सेंट पेट्रियट्स, सेंट ज्यूक्स और TKR यानी कि ट्राइडेंट नाइट राइडर, ट्रिबागो नाइट राइडर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्टार स्टडेड होती है ये जो टूर्नामेंट होती है, बहुत जल्दी बहुत फेमस है, सभी लोग देखना पसंद करते हैं। वेस्ट इंडियंस कैरेबियन पावर देखने को मिलती है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो चलिए हम स्क्वाड बाय स्क्वाड बात करते हैं। तो बार्बाडोस ट्राइडेंट्स की ये जो टीम है देख सकते हैं बहुत ही स्टार स्टडेड है। तो मैं बता देता हूँ, राशिद खान, जेसन होल्डर, मॉर्निस जॉनिस, हैरी गर्नी, एलेक्स हेज, जॉनसन चार्ल्स, शाय होप, हिडन वॉल्ट, अश्विन नर्स, जॉनथन कार्टर, राइफर काय, जोशुआ बिशप, नाय यंग, जस्टिन क्रीवर, हशमतुल्ला जजई और जहांगीर। तो फ्रेंड्स, ये टीम बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, बहुत ही स्टार्स यहाँ पर हैं, जैसे राशिद खान, जेसन होल्डर, मॉर्निस जॉनिस, हैरी गर्नी, एलेक्स हेज, जॉनथन चार्ल्स, शाय होप जैसे डिपेंडेबल बैट्समैन, हिडन वॉल्ट, अश्विन नर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी है, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, राशिद खान है, नर्स है, हिडन वॉल्ट है, पर फास्ट बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, मात्र एक होल्डर देखने को मिल रहा है और फास्ट बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, जबकि फास्ट बॉलिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, एक दो बॉलर और रहते तो एक अच्छी टीम और बैलेंस टीम होती, पर मुझे सभी चीज़ें ठीक है, ठीक ठाक टीम है, बस फास्ट बॉलर्स नहीं है। फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा खासा प्रदर्शन करने लगी। फिर अगली टीम की ओर बढ़ते हैं। तो सेम की पेट्रियट्स की बात की जाए तो क्रिस्टलिन, बेनडंक, एवन लुविस, फेविन एलन, फैंडन ड्यूसन, सोहेल तनवीर, इशोडी, शेलन कॉटरेल, दिनेश रामटीन, रियाद अहमद, डेनिस बॉरी, ओजारी जोसेफ, डा सिल्वा, डरेक अबाडो, जसेंगा और सोहल। तो फ्रेंड्स, ये टीम बहुत ही बैलेंस साइड है। क्रिस्टलिन, बेनडंक, एवन लुविस, फेविलन, वेंडन ड्यूसन जैसे अच्छे अच्छे बैट्समैन, बैट्स और फेविलन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, सोहेल तनवीर जैसे फास्ट बॉलर, कोटरेल और अजारी जोसेफ जैसे अच्छी फास्ट बॉलिंग भी है, स्पिनर्स की बात की जाए तो इशोडी है, फेविलन भी स्पिन कर लेते हैं, रियाद अहमद जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो कैप्टनसी भी कर सकते हैं अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं रहा तो। इस बार शुएब मलिक नहीं है इस टीम में, फिर भी एक अच्छी टीम देखने को मिल रही है, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, तो एक बैलेंस स्क्वाड है, मेरी सबसे बैलेंस स्क्वाड है। ज़्यादा स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है बाकी टीम के कंपैरिजन में, पर एक स्टार स्टडेड टीम है और बैलेंस बहुत अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग सभी का अच्छा बैलेंस है। फिर अगली टीम की हम बात करेंगे। तो अगली टीम में है गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो इसकी टीम में है इमरान ताहिर, निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग, शिमरॉन हिटमायर, रॉस टेलर, क्रिस ग्रीन, काइज अहमद, कमोय पॉल, शेनफर रदरफोर्ड, शेफर्ड, नवीन उलहक, चंद्रपोल हेमराज, शिलगर, नीडो स्मिथ, पाबलो और जसदीप सिंह। ये टीम में बहुत सारे स्टार्स हैं, इमरान ताहिर, काइज अहमद और क्रिस ग्रीन जैसे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, बैटिंग बहुत अच्छी है, निकोलस पूरन, बी किंग, शिमरॉन हिटमायर, रॉस टेलर, फिर बॉलिंग हेमराज भी बहुत अच्छी ओपनिंग कर लेते हैं, फिर बॉलिंग की बात की जाए तो कमोय पॉल, शेनफर रदरफोर्ड, नवीन उलहक अगर खेलते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, अफगानिस्तान के हैं, फास्ट बॉलिंग में थोड़े कम ऑप्शन है पर फिर भी बहुत अच्छी और बैलेंस टीम देखने को मिल रही है। स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, इमरान ताहिर, क्रिस ग्रीन, काइज अहमद फ्रॉम अफगानिस्तान, बहुत अच्छी टीम देखने को मिल रही है, बैलेंस बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर भी फाइनल गई थी, अच्छी टीम है, इस बार भी टूर्नामेंट के लास्ट तक जाएगी, जीत भी सकती है, अच्छी टीम है, बस एक फास्ट बॉलर और होता तो ज़्यादा अच्छी होती। फिर बात करता हूँ सेंट लूसिया ज्यूक्स की, तो राइली रूसो, मोहम्मद नबी, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर डेरन सैमी, कॉलिन इनग्राम, आंद्रे फ्लेचर, खिस्रिक विलियम्स, एंड्रिक नॉकहाय, खेमाया होलर, ओबेड मोकाय, राकिम कॉर्नवेल, मार्क टेनली, नूर अहमद, कवानी मीन, स्पोंसर हुड, ग्लेन और बिन जफर। तो फ्रेंड्स, ये जो टीम है ये भी बहुत स्टार स्टडेड टीम है। तो इनकी बात की जाए तो बैट्समैन में इनके पास राइली रूसो है, डेरन सैमी जैसे ऑलराउंडर, आंद्रे फ्लेचर, फिर बॉलर्स इनके पास बहुत अच्छे अच्छे, राकिम कॉर्नवेल ऑलराउंडर विकल्प, मोहम्मद नबी, डेरन सैमी, मार्क टीनले। बॉलिंग की बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग में एंड्रिक नॉकहाय है इनके पास, फिर खिस्रिक विलियम्स है, ओबेड मोकाय है, स्पिनिंग ऑप्शन उतने नहीं है, एक मोहम्मद नबी है, बाकी स्पिनर्स नहीं है और बैटिंग थोड़ी वीक लग रही है, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी सारी CPL टीम की है।
तो ओवरऑल बाकी है तो उतनी तगड़ी टीम मुझे नहीं लगी, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो फ्रेंड्स अगले टीम की ओर बढ़ते, तो अगली टीम है हमारी जमैका थलवर्स, आंद्रे रसल जैसा बड़ा नाम, फिर संदीप लामेचानी, कार्लोस ब्रैडफोर्ड, रोवन पॉवेल, तबरे समसी, ग्लेन फिलिप्स, डैन वॉल्टन, ओशे थॉमस, आसिफ अली, एडवर्ड खाए, मखाइथी, कैटरीन रॉयल, ब्रूनर पॉमोल और पर्सा। तो फ्रेंड्स ये टीम बहुत तगड़ी देखने को मिली, ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, रसल जैसा ऑलराउंडर, कार्लोस ब्रैडफोर्ड, रोवन पॉवेल, स्पिनर्स में संदीप लामेचानी, तबरे समसी, बैट्समैन में चैडविक वॉल्टन जैसे कीपर बैट्समैन, फिर ग्लेन फिलिप्स भी है, फास्ट बॉलर में ओशेन थॉमस है, आसिफ अली पाकिस्तान से एक अच्छे फिनिशर इनके पास। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छी टीम देखने को मिल रही है। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा और वर्क हो सकता था, मात्र ओशेन थॉमस देखने को मिल रहा है, और फिर हाँ कार्लोस ब्रैडफोर्ड, एंड्रे रसल जैसे भी बॉलर्स हैं वो भी बॉलिंग अच्छी खासी कर लेंगे, पर दे दो ओवर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इन्हें, क्योंकि इनके पास उतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग एक दो विकल्प और रहते तो ज़्यादा अच्छी टीम बनती, पर फिर भी एक बैटिंग स्टडी टीम है कि 250 भी बना सकती है। अगर बात करते हैं हमारी लास्ट टीम ट्रिबागो नाइट राइडर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है अभी तक की, अभी मतलब इस टूर्नामेंट में, ट्वेन ब्रावो, कायन पोला, सुनील नारायण, मुंशो, फवद अहमद, टेरेन ब्रावो, लेंदन सिमन, खाए फेरी, टेम शेफर्ड, सिकंदर रजा, एडिसन फिलिप, प्रवीण तांबे, चेतन सील्स, आमिर चुंडो, टाइसन वेबस्टर, हुसैन और अली खान। फ्रेंड्स इस टीम की बात किया तो ऑलराउंडर बहुत तगड़े तगड़े, ट्वीन ब्रावो, कायरन पोलार्ड, सुनील नारायण, मुंड्रो जैसे बैट्समैन, बैट्समैन में बहुत एक्सपेंसिव बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन मुंड्रो, सुनील नारायण, पोलार्ड, ब्रावो, लेंदन सिमंस, डैरन ब्रावो भी है, प्रवीण तांबे फर्स्ट स्पिनर होंगे, फर्स्ट इंडियन होंगे जो CPL खेलेंगे, फिर अली खान बॉलिंग में है, इनके पास विकल्प बहुत बहुत अच्छे हैं, ट्वीन ब्रावो जैसे डेथ में बॉलिंग करने वाले स्पिनर में, इनके पास फवद अहमद, सुनील नारायण, तो बहुत ही तगड़ी टीम दिख रही है। विकेट कीपर में टेम शेफर्ड भी है, लेंदन सिमंस भी कीपिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी टीम दिख रही है, बहुत तगड़ी टीम है। तो ये मेरे सबसे फेवरेट होंगे इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी टीम दिख रही है। तो फ्रेंड्स फिर बात करते हैं गिव अवे की, तो गिव अवे जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो भी लोग लाइक करते हैं हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल और कमेंट अच्छा करते हैं, और फ्रेंड्स इसके अलावा भी आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, और जो ये सब कर लेगा उसे 2 विनर्स होंगे इस गिव अवे के। तो ये छोटा गिव अवे है, इसके बाद बड़ा बड़ा गिव अवे होने वाला है, तो इसमें अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ऐसे ही अच्छा गिव अवे मिलेगा। तो फ्रेंड्स स्टे होम स्टे सेफ, बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।